डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएमटी ऑनलाइन स्कूल। जेएमटी ऑनलाइन स्कूल की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन, यानी कि दूसरा दिन है प्रीपोजिशन का। और पहले दिन में हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशन के मतलब और उसके प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड्स के यूजेस सीखे थे। तो चलिए आज हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या है कि सिक्स, यानी कि पाँच सीखा था, आज हम छठा सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिक्स यानी कि एट, क्या ये एटी एट, इसको पढ़ते हैं एट। एट को अगर हिंदी मतलब सुने तो एट को हिंदी में कहते हैं मे या फिर पर, मे या फिर पर। इसका मतलब होता है कोई निश्चित समय या छोटे स्थान या फिर दर, इसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, मे या पर के लिए। लेकिन कोई निश्चित समय हो या छोटे स्थान हो या दर हो, इनके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़िए और देखें कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला एग्जांपल्स है ही केम एट फोर ओ क्लॉक, यानी कि ही केम एट फोर ओ क्लॉक, वो चार बजे आए थे, वो चार बजे आए थे। तो यहाँ कह रहे कि ना समय, तो निश्चित समय, यानी कि निश्चित समय, एक फोर यानी कि वो पक्का चार बजे ही आए थे, यानी कि एक निश्चित समय दे रखा है, इसलिए यहाँ कह रहे वो पक्का चार बजे ही आए थे। तो ही केम एट फोर ओ क्लॉक। अगला देखिए, सी लिप्स, सी लिप्स एट इंदरपुरी, सी लिप्स एट इंदरपुरी। यहाँ पे देखिए क्या है, इंदरपुरी, तो इंदरपुरी में क्या होगा, मे, तो यहाँ पे मे, सी लिप्स एट इंदरपुरी, वह इंदरपुरी में रहते हैं। यानी कि जब कोई छोटे कस्बे या स्थान के नाम के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं मे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ तो वहाँ पे इन आएगा, यानी कि इन, इन मतलब मैं, आई आई लिव इन दिल्ली। अगर मैं बोलूँ एक दिल्ली के एक छोटे से गांव या छोटे से शहर या छोटे से कस्बे या छोटे से मोहल्ले में रहेंगे, तो वहाँ पर एट का प्रयोग करता है। जैसे कि अगर आप नहीं जान रहे हैं, जैसे इंदरपुरी आप नहीं जानते हैं, आप मंगोलपुरी नहीं जानते हैं, लक्ष्मी नगर नहीं जानते हैं, या फिर कोई छोटे छोटे मोहल्ले के लिए जो मोहल्ला है या फिर कस्बा है या गांव है, तो उनके लिए हम जो नॉर्मली है वहाँ पर एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ऐड का प्रयोग किया गया है। तो ऐड क्या है, एक प्रीपोजिशन है। कल मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर भी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नाउन है और नाउन के ठीक पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। थर्ड करें, एप्पल सेल्स, ये सेल्स है, सेल्स का मतलब होता है बेचना। एप्पल सेल्स एट रुपीज 60 अ किलो, यानी कि से एक रुपये, यानी कि 60 रुपये प्रति किलो के दर से बेचा जाता है, 60 रुपये प्रति किलो की दर से सेब बेचा जाता है। तो यहाँ पे रुपीस एट जो प्रयोग किया गया है वो किस लिए, ये दर के लिए किया गया है। और यहाँ पे छोटे स्थान के लिए किया गया है और ये एट का प्रयोग निश्चित के लिए किया गया है। अगला देखिए, दे आर एट वर्क, ये क्या है, दे आर एट वर्क, यानी कि वो लोग काम पे हैं, दे वे लोग काम पर हैं, तो दे आर एट वर्क, वे लोग कहाँ हैं, वो लोग काम पे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, कुछ है ना, एट का प्रयोग हम कुछ स्थान के लिए या फिर कुछ प्लेसेस के लिए या फिर हाउस के लिए भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा है एट स्कूल, अगर मैं कहूँ मैं स्कूल पे हूँ या स्कूल में हूँ, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे एट स्कूल, एट कॉलेज, एट होम, या घर पे हो या कोई कॉलेज पे है, तो कोई कॉलेज में है तो एट स्कूल, जो एट स्कूल होता है, एट कॉलेज, एट होम, एट ऑफिस, एट यूनिवर्सिटी, यानी कि जहाँ पे भी आप, यानी स्कूल, कॉलेज, होम, ऑफिस या फिर यूनिवर्सिटी, इनके बारे में अगर बात करेंगे तो इसके लिए हमें एट का प्रयोग करते हैं। यानी एट स्कूल, एट कॉलेज, एट होम, एट ऑफिस, एट यूनिवर्सिटी, इसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। अगला देखिए क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, आपके ऊपर कोई हंसता है तो कहते हैं कि क्यों उसके ऊपर हंस रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं, ऊपर का मतलब होता है टॉप, तो उसके ऊपर चढ़ के हंस रहा है, यानी उसके ऊपर हंस रहा है, तो उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर के लिए फिर हम एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे लाफ एट, यानी कि लाफ एट, यानी उसके ऊपर हंसना, स्माइल एट, यानी उसके ऊपर आप मुस्कुराना, यानी किसी के ऊपर मुस्कुराना, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो लाफ है ये एक वर्ब है, यानी हंसना और हंसना, यानी वर्ब की बाद में यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप जब कभी भी बोलेंगे उसके ऊपर क्यों हंस रहे हो या इसके ऊपर क्यों हंस रहे हो, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, लाफ एट। या फिर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कूल, कॉलेज, होम, यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए एट का प्रयोग करते हैं।
अगला देखिए यहाँ पे देखिए एट द टॉप, अगर जब अगर ऊपर के लिए बात करें तो आउट एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द पेज नंबर 50। मैं कहूँ आप ना पेज नंबर 50 पे देखो तो इसका मतलब ये है एट 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 पेज नंबर 50, ठीक है, या एट पेज नंबर 60, तो आप यहाँ पे एट पेज नंबर आप बोल सकते हैं। अगला देखिए एट द बस स्टॉप, यानी क्या है एट द बस स्टॉप, यानी कि आप है ना बस स्टॉप पे मिलेंगे, तो आप है ना बस स्टॉप पे मिलना, तो यू हैव टू मीट एट द बस स्टॉप। एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म यानी आप बस स्टॉप, प्लेटफॉर्म या फिर फाटी किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पे जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है एट का क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी कि बस स्टॉप पे मिलना एट द बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पे मिलना एट द प्लेटफॉर्म, एट द पार्टी अगर आप कहीं पार्टी में मिल रहे हो तो यहाँ पे क्या प्रयोग करना है एट द पार्टी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं जो कि एट का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, तो ये क्या है बिफोर है, बिफोर, बिफोर को अगर बिफोर एक क्या है प्रीपोजिशन है, और इसका अगर एग्जैक्ट अगर हिंदी मीनिंग अगर जानेंगे तो हिंदी बिफोर का मतलब होता है से पहले या के सामने के लिए प्रयोग के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, यानी बिफोर को हिंदी में कहते हैं से पहले या फिर के सामने, इसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए देखिए क्या है कुछ सेंटेंस देखिए लिखा है, ए कम्स बिफोर बी, यानी कि ए कम्स बिफोर बी, ए जो है बी से पहले आता है, तो यहाँ पे ए कम्स बिफोर बी यानी बी से पहले आता है, तो ये क्या है बिफोर यानी कि के पहले, तो इसका मत प्रयोग क्या हुआ के पहले के लिए। अगला एक्शन ही स्टूड बिफोर द जज, ही स्टूड बिफोर द जज, यहाँ पे देखिए बिफोर द जज यानी ही स्टूड, ये स्टूड क्या है स्टैंड है, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड यानी कि खड़ा होना, स्टैंड मतलब क्या होता है खड़ा होना और स्टूड मतलब खड़ा हुआ, तो ये कह रहा है ही स्टूड बिफोर द जज यानी कि ये जज के सामने वो पेश हुआ या खड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे स्टूड है जज के सामने। जब आप किसी भी चीज को पेश करते हैं किसी के सामने तो वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं बिफोर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगला देखिए आई विल कम बिफोर दिवाली, आई विल कम बिफोर दिवाली, मैं क्या आई विल कम बिफोर दिवाली, मैं दिवाली से पहले आ जाऊंगा, आई विल कम बिफोर दिवाली यानी कि दिवाली से पहले मैं आ जाऊंगा, तो क्या है बिफोर यानी कि ये सारे बिफोर बिफोर बिफोर, तो इसका प्रयोग हम से पहले के सामने के लिए करते हैं बिफोर के लिए। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिफोर के साथ लॉन्ग लग करके उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अगर इस बिफोर में लॉन्ग अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए लॉन्ग बिफोर यानी कि बिफोर से पहले, ये बिफोर से पहले क्या जोड़ दिया लॉन्ग, तो ये लॉन्ग बिफोर, तो इसका मतलब हो जाता है बहुत पहले यानी कि बहुत दिन पहले, और अगर बिफोर बिफोर के बाद अगर लॉन्ग जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाता है शीघ्र, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत दिन पहले आप मुझसे मिले थे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग बिफोर यानी कि बहुत दिन पहले, और अगर बिफोर लॉन्ग यानी शीघ्र ही आपसे मैं मिलूंगा तो क्या हो जाएगा बिफोर लॉन्ग, तो ये दोनों में आप फर्क जान लीजिएगा लॉन्ग बिफोर और बिफोर लॉन्ग। कुछ सेंटेंस देखिए इन दोनों पे है, जैसे दैट इंडियंस न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियन, यहाँ पे लॉन्ग पहले है, लॉन्ग पहले, तो इसका मतलब है कि जो भारतीय किसान थे ये बहुत पहले ही या यूरोपियन से पहले ही खेती करना सीख गए थे। अगला आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग, तो ये क्या है बिफोर लॉन्ग, तो इसका मतलब हुआ बिफोर लॉन्ग शीघ्र, तो आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग यानी कि मैं शीघ्र ही अपने गांव जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि बिफोर लॉन्ग का प्रयोग करोगे तो शीघ्र के लिए करते हैं और लॉन्ग बिफोर का प्रयोग करोगे तो बहुत पहले के लिए करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स अपने कॉपी में नोट कर लें। अगला है देखिए नवा बिसाइड एंड बिसाइड्स, दोनों का स्पेलिंग देखिए सेम लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे एस लग गया, यहाँ पे एस हट गया, तो इसको पढ़ते हैं बिसाइड और इसको पढ़ते हैं बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स, तो बिसाइड को हिंदी में कहते हैं नियर बाय यानी कि इसको कह सकते हो नियर बाय, जो पास में हो या फिर बगल में हो या फिर समीप हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बगल में या फिर समीप
और इस बिसाइड्स को हम क्या कहते हैं, इन एडिशन टू, क्या इन एडिशन टू, यानी कि के अलावा या फिर अतिरिक्त कह सकते हैं, के अलावा या फिर अतिरिक्त, इन एडिशन टू, के अलावा या फिर अतिरिक्त, यहाँ पे सिर्फ एस लगा दें। आप देख लीजिए कुछ सेंटेंस में आपको बताता हूँ, फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पापा के बगल में बैठ जाओ, तो क्या हो जाएगा, गो एंड सिट बिसाइड, बिसाइड मतलब के बगल में, क्या के बगल में, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पापा के बगल में बैठ जाओ। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपने मम्मी के बगल में बैठी थी, तो क्या हो गया, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वो अपनी मम्मी के बगल में बैठी थी, तो ये क्या हो गया, बिसाइड, तो इसका मतलब बगल में के लिए या फिर समीप के लिए प्रयोग करते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए क्या है, सिर्फ एस जोड़ देते हैं, तो एस जैसे ही जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब चेंज हो जाएगा और इसका मतलब होगा के अलावा या अतिरिक्त, यानी कि आपके पास जैसे है ना, मैं कहूँ कि आपको दवाई, यानी कि दूध के साथ साथ आपको दवाई भी लेना चाहिए, तो यानी कि अतिरिक्त चीजें लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा लिखा है, बिसाइड्स श्वेता, बिसाइड्स श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, है ना, तो क्या कहता, बिसाइड्स श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट, है ना, इन प्रेजेंटेड इन द क्लासेस, ठीक है, तो ये नहीं कह रहे कि श्वेता को छोड़कर, यानी श्वेता के अलावा, बिसाइड श्वेता, यानी श्वेता के अलावा सभी बच्चे क्लास में उपस्थित थे, ठीक है। अगला देखिए, बिसाइड श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंटेड, है ना, प्रेजेंट इन द क्लास, सभी क्या थे, प्रेजेंट थे क्लास में। बिसाइड खोटा, खोटा क्या, खोटा नहीं, बिसाइड खोटा, बिसाइड खोटा आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब कि खोटा के अलावा, खोटा जो एक भाषा है, खोटा के अलावा इंग्लिश और हिंदी भी मैं बोलता हूँ। बिसाइड्स खोटा आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, खोटा के अलावा मैं हिंदी और इंग्लिश भी जानता हूँ। अगला देखिए क्या है, बाई है, बी वाई बाय, बाय को हिंदी में कहते हैं से या द्वारा, या के पास, या तक, या मेक, या के दौरान, या फिर दरम्यान, या फिर साधन, या समीपता, या समय के लिए इसका बाय का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि कहाँ पे कैसे बाय का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय मी, ये बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा यह बुक लिखी गई है, द बुक हैज बीन रिटन बाय मी, यह बुक मेरे द्वारा लिखी गई है। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, मे आई पे बाय चेक, क्या मैं चेक के द्वारा पे कर सकता हूँ, क्या मैं चेक के द्वारा पे कर सकता हूँ। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, कि ही केम बाय बस, वह बस से आए, तो देखो चेक के द्वारा, बाय चेक, चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। अगला, ही केम बाय बस, वो बस से आए, ठीक है, वह बस से आए। फिनिश इट बाय 10 o'clock, यानी 10 बजे तक ये फिनिश कर दें, यह कार्य 10 बजे तक समाप्त कर दें। द सन शाइंस बाय डे, द सन शाइंस बाय डे, यानी कि दिन में सूरज चमकते हैं, तो यहां पे क्या है, बाय यानी मे। अगला देखिए, हम किसी भी संसाधन, यानी कि जो साधन है, जैसे टैक्सी से, आप बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, जब किसी से चीज से आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रयोग, बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बाय साइकिल, बाय टैक्सी, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो कृपया लाइक जरूर करिएगा, और नहीं आया है ना, तो फिर एक बार दोबारा इसे देख लीजिए और कमेंट में बताइए कि नहीं आया है, तो मैं आपको फिर से एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊं। अगला देखिए क्या है, फोर है, और फोर का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए फोर का प्रयोग यानी के लिए या फिर की ओर के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, फोर, फोर के लिए, फोर को हिंदी में कहते हैं के लिए या की ओर या से, इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर का मतलब हो जाएगा के लिए, यानी दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है। ही केम हेयर फॉर मनी, यहाँ पे क्या है, ही केम हेयर फॉर मनी, वह यहाँ पैसे के लिए आए, तो क्या हो जाएगा के लिए। इज दिस ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या यह ट्रेन दिल्ली के लिए है, क्या यह ट्रेन दिल्ली के लिए है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर टू डेज, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर टू डेज, दो दिन से यानी दो घंटे से, टू आवर्स है ये क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर टू डेज, यानी कि दो दिन से वर्षा हो रही थी, तो यहाँ फॉर यानी कि से है ना। आई बॉट, ये क्या है, बॉट बी आई बॉट द पेन फॉर 5 रुपीज, यानी हम क्या है कि 5 रुपये में हमने क्या खरीदा, पेन खरीदा। आई बॉट द पेन फॉर 5 रुपीज, है ना, 5 रुपये के लिए या 5 रुपये में हमने क्या खरीदा, पेन खरीदा। अगला देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, फ्रॉम, फ्रॉम को हिंदी में कहते हैं से, और ये स्थान से अलग होने के लिए, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग होते हैं या फिर जाते हैं या फिर छोड़ते हैं, तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, समय का भाव कराने के लिए। जैसे कि ओरिजन, ओरिजन का मतलब होता है स्रोत, यानी कि कहाँ से उद्गम है, तो उसे कहते हैं स्रोत, यानी स्रोत का अभाव के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, देखिए ही हैज़ केम फ्रॉम पटना, वो कहाँ से आए, वो पटना से आए, तो यानी कि पटना से वो अलग हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ के क्या प्रयोग किया है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से। ही वॉज ब्लिंड, ये क्या है, ब्लिंड, ब्लिंड का मतलब होता है अंधा, ही वॉज ब्लिंड फ्रॉम बर्थ, यानी कि वो जन्म से अंधा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फ्रॉम। दीज लाइन्स फ्रॉम द रामायण, ये पंक्ति जो है, जो पंक्ति है वो कहाँ से आए हैं, ये रामायण से ये आए हैं। दीज लाइन्स फ्रॉम द रामायण, यानी रामायण के पंक्ति से लिया गया है या पंक्ति से। वी मेक कर्ड, वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो ये कर्ड है ना, ये कर्ड है कहाँ कहाँ से बनाया है, मिल्क से बनाया है, तो वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। फर्नीचर मेड, मेड मतलब बनाना, फर्नीचर मेड फ्रॉम वुड, जो है ये लकड़ से फर्नीचर बनाया गया है, तो फर्नीचर मेड फ्रॉम वुड, यानी कि वुड से फर्नीचर बनाया गया है। तो जब हम किसी चीज़ से यानी कि कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे है दही से, दूध से दही बना देते हैं, फर्नीचर से वुड से लकड़ बना देते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ भी कन्वर्ट करते हैं, तब भी हम फ्रॉम यानी से का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। और इसके अलावा जब आप कहीं स्थान से या कहीं छोड़ते हैं, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ, या मैं बिहार से आया, या फिर मैं झारखंड से आया, या फिर मैं राजस्थान से आया हूँ, तो उसके लिए भी फ्रॉम से यानी कि फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन का प्रयोग कैसे करते हैं, इन, इन को हिंदी में कहते हैं मैं, या बड़े स्थान के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी मैं, इन का प्रयोग मैं के लिए करेंगे, लेकिन बड़े स्थान या समय स्थिरता या के भीतर के लिए या पोशाक के लिए या पेशा इत्यादि के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसके लिए, पोशाक के लिए, पेशा के लिए। पोशाक क्या होता है, ड्रेस, फॉर एग्जांपल आपके ड्रेस के लिए हम पोशाक करते हैं, तुम किस ड्रेस में हो, तुम्हारा पेशा क्या है, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है। समय के लिए, बड़े स्थान के लिए, यानी कि दिल्ली में हो, कलकत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र, बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स को सेंटेंस देख के हम समझते हैं, ही लिव्स इन इंडिया, वो भारत बहुत बड़ा है, इसके आगे क्या लग गया, इन। आई प्ले इन द मॉर्निंग, सुबह में खेलते हैं, स्थान। सी इज इन द रूम, वो कहाँ पे है, रूम में है, यानी कि स्थिरता के लिए, रूम में एकदम फिक्स है कि रूम में ही है, तो क्या प्रयोग हो गया, इन, यानी कि सी इज इन द रूम। सी वॉश इन द साड़ी, सी वॉश इन द साड़ी, वो किस ड्रेस में, पोशाक के लिए, यहाँ पे पोशाक के लिए, वह साड़ी में है, ठीक है। ई इज इन द आर्मी, वो पेशा है, यानी कि इसमें है, वो पेशा है, पेशा का मतलब वो आर्मी में है। पेशा को क्या कहते हैं, प्रोफेशनल, या फिर कहते हैं व्यवसाय, किस व्यवसाय में। व्हाट इज इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है, व्हाट इज इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन टू, अभी हमने सीखा इन, अब यहाँ इन टू है, तो इन का मतलब अभी सीखा था कि इन मतलब होता है मैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन टू, तो इन टू का मतलब होता है मैं, लेकिन जब कोई भी चीज़
बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हो, जब मोशन में हो, तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, बॉक्स में बाहर से भीतर की ओर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ बाहर से भीतर की ओर इसमें घुस रहा है या फिर डल रहा है या फिर डाल रहे हैं, तो उस स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। किस लिए? मे के लिए। किस लिए? मे के लिए। जब हम एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में क्या करेंगे, मतलब कि एक कोई वस्तु जब अंदर की ओर जाए, तो जैसे बाहर से भीतर की ओर, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलने का भाव या अवस्था के लिए भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जब एक वस्तु जब किसी अंदर की ओर जब जाए, जब मोशन हो रहा हो, तो उस स्थिति में इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे सी फॉल इनटू द वॉल वेल, यानी कि वो कुएं में गिर गई, तो वो देखो बाहर से अंदर की ओर गिर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्रयोग किया इनटू। तो इसका मतलब क्या हुआ? मे He come into my room. वो क्या आया? वो मेरे रूम के अंदर आए। तो देखो मैं कहूँ वो रूम में बैठी है, एकदम पूरा फिक्स है, तो ही इज सिटिंग इन द रूम। लेकिन अगर मैं बोलूँ आ रही है, यानी कि मोशन वो चल के आ रही है, तो क्या लगा यहाँ पे? इनटू। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, यानी बदल जाना। तो हीट यानी कि जो उष्मा है वो टर्न वाटर इनटू वेपर, जो है पानी है उसको किस में बदल देते हैं? भाप में बदल देता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, बदलें, बदलने के भाव। वाटर टर्न्स इनटू आइस, यानी जो वाटर है वो किस में बदल जाता है? वो आइस में बदल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बदलने के भाव के लिए भी इनटू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर वर्ब के साथ अगर इनटू जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, यानी वर्ब के साथ इनटू जोड़ दोगे तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ईट है, ईट का मतलब, ईट एक वर्ब है और ईट में अगर इनटू लगा देते हैं तो ये पूरा मतलब हो जाता है नष्ट करना। अगर यहाँ पे लेट है और लेट में यहाँ पे इनटू लगा देंगे तो अनुमति देना। यहाँ पे सी है, सी में अगर इनटू लगा दोगे तो ये विचार करना। और ये ब्रेक है, ब्रेक का मतलब तोड़ना, लेकिन ब्रेक इनटू का प्रयोग कर दोगे, यानी इनटू लगा दोगे यहाँ पे, प्रीपोजिशन लगा दोगे यहाँ पे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जबरदस्ती प्रवेश करना। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको, चलिए अगला करते हैं। ये देखिए 15वां है, ऑफ ऑफ को क्या कहते हैं? का की के संबंध या अधिकार के लिए हम इसका ऑफ का प्रयोग करते हैं। या माप या तौल, यानी किसी मटेरियल के लिए, जब किसी मटेरियल को जब मापते हैं या तौलते हैं उसके लिए भी का की के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? राम, राम वॉज द सन ऑफ दशरथ, यानी कि ये क्या है? दशरथ का बेटा कौन है? राम था, ठीक है। तो दशरथ के बेटे कौन थे? राम थे। दिस इज मेड ऑफ वुड, यानी कि ये लकड़ का बना हुआ है, ठीक है। मेड मतलब बनाना, वुड यानी यह मेटल का, लकड़ का बना हुआ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, यानी कि देखो संबंध बता रहा है। तो ही डेड, ही एच ही डी आई डी डाइड, ही डेड ऑफ कोलरा, वो कोलरा से उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी बीमारी या डिसीज के लिए भी हम क्या करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये है आज जो हमने टोटल दो क्लासेस में 15 प्रीपोजिशन सीख गए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें से भी सीख गए होंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। और हाँ, आप इसे सारे कॉपी में नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।